नमस्कार साथियों, इस पाठ में हम सीखेंगे कि रेडियो फीचर लेखन किस तरह से किया जाता है। डॉक्टर विजय कुलश्रेष्ठ के मतानुसार रेडियो प्रविधि का ध्यान रखते हुए फीचर लेखक को और रेडियो फीचर लेखन के समय निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान देना होता है। विषय वस्तु चयन, उसकी प्रस्तुति, संपादन एवं संयोजन, रेडियो परक भाषा, रेडियो फीचर का अभिलेखन रिकॉर्डिंग, स्पष्टता, सरलता, संक्षिप्तता, प्रसंगानुकूलता, तथ्यपरकता, विश्वसनीयता, रोचकता, प्रभावपूर्णता और प्राविधिक कौशल। विषय वस्तु चयन, रेडियो फीचर के लिए विषय वस्तु का चयन करते समय लेखक को उसकी आधार सामग्री, तत्संबंधी शोध परिणाम, घटना या स्थिति विशेष का समग्र अध्ययन आदि पर ध्यान केंद्रित करना होता है। उसे यह भी देखना होता है कि श्रोता का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो विषय चयन किया है उसका आधार और स्वरूप क्या है। यही नहीं, उसकी मूल चेतना और संवेदना श्रोता को किस किस रूप से प्रभावित कर सकती है, यह भी विषय वस्तु के चयन के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ ही विषय वस्तु से संबंधित अन्य विविध पक्षों पर भी विचार कर अपने मंतव्य के अनुरूप कथ्य और मौलिकता का निर्वाह कर भी करना अपेक्षित होता है। दूसरा, प्रस्तुति। फीचर लेखन रेडियो की प्रविधि की सीमाओं और प्रस्तुति के यांत्रिक व्यवस्थापन की सुविधाओं के आधार की जानकारी पर लेखक सुविधापूर्वक लिख सकता है, लेकिन फीचर की लेखन प्रक्रिया जितनी जटिल होती है उससे जटिल उसका प्रस्तुतिकरण होता है। इसके लिए प्रसारण अधिकारी का श्रम ही सराहनीय होता है। फीचर लिखना और रेडियो के लिए लिखना अपनी जगह है और रेडियो पर लिखित फीचर सामग्री आ जाने पर उसकी प्रस्तुति के विविध पक्षों पर विचार करना तथा उन पर क्रियान्वयन करना प्रसारण अधिकारी की सूझबूझ पर ही निर्भर करता है। संपादन एवं संयोजन, लिखित रेडियो फीचर की प्रस्तुति से पूर्व रिकॉर्डिंग के विभिन्न प्राविधिक पक्षों पर विचार करते समय प्रसारण अधिकारी को मूल फीचर की समय सीमा और विषय प्रतिपादन के निमित्त आचार संहिता का पालन करते हुए संपादित करना आवश्यक हो जाता है। यह दृष्टि ही फीचर को श्रोता तक पहुंचाने की दिशा में संयोजन से पहले ही सीढ़ी कही जा सकती है। संयोजन करते समय प्रसारण अधिकारी के समक्ष निर्धारित नियम नहीं अपितु उसके निमित्त उपलब्ध सुविधाओं का संयोजन जुटाना भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस संयोजन व्यवस्था में उसे फीचर के प्रकार पर भी विचार करना होता है कि क्या वर्णात्मक ही रहेगा, जिसमें वाचन के लिए दो स्वर स्त्री और पुरुष पर्याप्त रहेंगे। यदि स्थल रिकॉर्डिंग द्वारा बाहर से लाई गई सामग्री है तो उसमें संयोजक के रूप में नरेटर की आवश्यकता भी निर्धारित करनी होगी। काव्यात्मक फीचर है तो उसमें गायक, स्त्री पुरुष स्वरों का समावेश तथा भारी और सामान्य स्वरों का संयोजन भी करना हो सकता है। इस प्रकार संपादन और संयोजन से लिखित फीचर को प्रस्तुतिकरण के लिए उपयुक्त बनाया जा सकता है। डॉक्टर मधुकर गंगाधर के शब्दों में, रेडियो फीचर की सफलता काफ़ी हद तक प्रस्तुतकर्ता के संवादन कौशल पर भी निर्भर करती है। यदि तथ्यों, ध्वनि प्रभावों या वास्तविकताओं के संपादन संतुलन नहीं हुआ तो रोचकता में कमी आने का भय उत्पन्न हो सकता है। इसलिए इससे फीचर के उद्देश्य को भी आघात पहुंचता है। श्रोता असंतुलित तथ्यों को मात्र वक्तव्य या तथ्यों एवं आंकड़ों का महाजाल समझकर उसे अस्वीकृत भी कर सकता है। सुसंपादित तथ्य ही श्रेष्ठ फीचर की कसौटी। रेडियो परक भाषा, लिखित भाषा और रेडियो की भाषा में अंतर होता है।
लिखित भाषा में साहित्यिक भाषा का पुट हो सकता है, लेकिन रेडियो पर प्रसारित किए जाने वाले फीचर की भाषा पहले तो फीचर लेखक द्वारा ही अपने श्रोता का ध्यान रखकर निश्चित की जाती रही है। दूसरी बार श्रोताओं के लिए फीचर भाषा अनुकूलता का निश्चय प्रसारण अधिकारी का भी दायित्व हो जाता है। यद्यपि वह मूल भाषा में परिवर्तन करने के लिए सक्षम नहीं है, परंतु आवश्यकता प्रतीत होने पर कठिन और क्लिष्ट शब्दावली को सामान्य श्रोता की ग्राह्यता के अनुकूल परिवर्तित करके रख सकता है। यह कहना अधिक उचित प्रतीत होता है कि भाषा का सही प्रयोग श्रोता को बांधे रख सकता है। अतः फीचर लेखक को रेडियो परक भाषा का अनुगमन एवं अनुकरण करना अपरिहार्य है। रेडियो फीचर का अभिलेखन रिकॉर्डिंग। रेडियो फीचर का लेखन एक भिन्न स्थिति है और रेडियो फीचर का अभिलेखन रिकॉर्डिंग एक विशिष्ट तथा प्राविधिक टेक्निकल स्थिति है। विशिष्ट एवं प्राविधिक होने के साथ साथ अभिलेखन यांत्रिक एवं वैद्युतिक व्यवस्था का अंग है। इस दृष्टि से रेडियो फीचर के दो स्तर होते हैं, एक लेखक द्वारा लिखित फीचर का आलेख रूप और दूसरा स्टूडियो में अपने समस्त प्रस्तुतिकरण कला के सम्मिश्रण से अभिलिखित फीचर का प्रस्तुतीय रूप, प्रस्तुतिकरण वाला जो रूप होगा। महत्व दोनों का ही है। पहले लिखे गए फीचर की प्रस्तुति है, तभी तो उसके प्रस्तुतिकरण की प्राविधिक व्यवस्था की जानी संभव है। प्रायः आलेख लेखक और प्रस्तुतकर्ता जब एक ही होता है तो आलेख में भी प्रसारण प्रविधि के संकेत यथास्थान प्रयुक्त किए जा सकने की संभावना बनी रहती है। फिर प्रस्तुति स्वयं करे या उसका सहयोगी, कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन जब आलेख लेखक और प्रसारणकर्ता दो भिन्न व्यक्ति हों तो आलेख पर अधिक श्रम करने और प्राविधिक प्रयोग की दिशा में गहन चिंतन एवं मनन करने की आवश्यकता प्रसारण अधिकारी को होती है। डॉक्टर मधुकर गंगाधर ने फीचर के अभिलेखन रिकॉर्डिंग के संदर्भ में कहा कि वस्तुतः तथ्य अभिलेखन ही वह केंद्र है जिसके इर्द गिर्द पूरा आलेख चक्कर काटता है। यह कहकर उन्होंने तथ्य अभिलेखन रिकॉर्डिंग के लिए स्पष्टता, सरलता, संक्षिप्तता, प्रसंगानुकूलता, तथ्यपरकता, रोचकता और प्रभावपूर्णता का संकेत किया है। स्पष्टता। रेडियो फीचर लेखन करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि फीचर में निहित तथ्य स्पष्टतः अभिलिखित किए जाने चाहिए। तथ्यों के सही और साफ ढंग से प्रस्तुतीकरण के अभाव में श्रोता को उपयुक्त जानकारी नहीं हो सकेगी। तथ्यों का इस प्रकार स्पष्टतः रिकॉर्डिंग किया जाना उचित होगा। ये तटस्थ मानसिकता से आलेख प्रस्तुत करने में अधिकारी पूर्णतः समर्थ हो सकें। सरलता। रेडियो फीचर में प्रयुक्त तथ्यों का लेखन करते समय अभिलेखन अधिकारी को ऐसी विधि अपनाना अनिवार्य होता है कि तथ्य तुरंत ही श्रोता को अपने सरलतम स्वरूप में सहज ही ग्राह हो सके। इस दृष्टि से आलेख का अभिलेखन करने से पूर्व तथ्यों की जटिलता पर पूर्णतः विचार कर लेना जरूरी होता है। रेडियो फीचर लेखक से इस संबंध में विचार विमर्श कर लेने की सुविधा एवं अवसर रहता है। लेखन करते समय तथ्य सरलतम रूप में श्रोता तक संप्रेषित होने पर ही अधिक ग्राह होते हैं। वास्तव में पांडुलिपि के पूर्व अध्ययन के आधार पर प्रस्तुतीकरण सरल ढंग से रिकॉर्डिंग संभव हो सकता है। अभिलेखन अधिकारी को श्रोता की स्थिति सदैव अपने मानस में रखनी होती है। अतः वह आलेख देखकर संभावित विविध श्रोता वर्गों के अनुसार उसके प्रस्तुतीकरण की प्रविधि अपनाता है। संक्षिप्तता। रेडियो शब्द माध्यम है, अतः दीर्घ काल तक श्रोता को बांधे रखने की संभावनाओं का ध्यान रखना आकाशवाणी केंद्र पर कार्यरत अधिकारियों का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व होता है। समय सीमा का पूर्णतः ध्यान रखते हुए अभिलेखन अधिकारी ढेर सारे तथ्यों का अभिलेखन न करके उसमें से महत्वपूर्ण तथ्यों को ही महत्ता देता है।
और उससे फीचर को सर्वांगपूर्ण बनाने में संक्षिप्तता का ध्यान रखता है। इसके साथ ही वह आलेख का संक्षिप्त रूप में लेखन करते हुए यह भी ध्यान रखता है कि महत्वपूर्ण जानकारियां न छूट जाएं, अन्यथा आलेख लेखन का श्रम ही व्यर्थ होगा। अभिलेखन अधिकारी का दैनंदिन कार्य संपादन कौशल ही उसे यह सिखा देता है कि कौन सा तथ्य महत्वपूर्ण है और कौन सा तथ्य छोड़ा जा सकता है। प्रसंगानुकूलता। रेडियो फीचर लेखन के लिए जहां फीचर लेखक के समक्ष प्रसंगानुकूलता महत्व रखती है, वहीं अवसर विशेष पर उसके प्रसारण के लिए भी प्रसंगानुकूलता अभिलेखन अधिकारी को अपना ध्यान केंद्रित करा देती है। विशेष अवसर पर प्रसारित किए जाने वाले रेडियो फीचर के लिए समय की निर्धारित अवधि का ध्यान रखते हुए अभिलेखन अधिकारी फीचर में उल्लिखित तथ्यों में से प्रसंगानुकूल तथ्यों को रेखांकित करता या चयन करता है और उसके आधार पर तथ्याभिलेखन करता है। इससे समय और श्रम की बचत होने के साथ ही फीचर का प्रसारण सार्थक रूप से प्रसंगानुकूल बना देता है। तथ्य परकता। रेडियो फीचर जहां एक सृजनात्मक एवं साहित्यिक विधा के रूप में आकाशवाणी केंद्रों के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं अपने आलेख एवं निहित तथ्यों को सत्याधारों एवं वास्तविकताओं से जोड़ने के कारण तथ्यपरकता से भी परिपूर्ण रहता है। रेडियो फीचर लेखक और सामान्य फीचर की एक यह पहली प्राथमिकता होती है कि उसके फीचर का आधार तथ्य एवं सत्य का मिश्रण हो। सामान्य फीचर लेखक को रेडियो फीचर के लिए विशेष प्रयास करके रेडियो प्रविधि के अनुसरण पर ही अपनी लेखन प्रक्रिया का निर्धारण करना होता है। प्रत्येक फीचर लेखक के लिए सामान्यतः यह कभी नहीं आवश्यक है कि वह रेडियो फीचर लेखन की प्रविधि भी जाने। विश्वसनीयता। रेडियो फीचर लेखन के समय प्रसारण अधिकारी को यह ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है कि वह माध्यम के प्रति श्रोता की विश्वसनीयता के साथ खिलवाड़ ना करे। जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम प्रचार तंत्र का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम है, वहीं उसके प्रति श्रोता की विश्वसनीयता भी जुड़ी हुई है। अतः किसी भी रेडियो फीचर के प्रसारण से पूर्व रिकॉर्डिंग की स्थिति में ऐसे तथ्यों का निरूपण किए जाने से बचना चाहिए जो श्रोता वर्ग के बीच अविश्वसनीयता का प्रसार करें। रेडियो फीचर का तो काम भी यही है कि वह आम श्रोता के मध्य माध्यम फीचर और उसके प्रसारण के प्रति उनकी गहरी विश्वसनीयता का प्रमाण बने। अतः किसी भी रेडियो फीचर के अभिलेखन या रिकॉर्डिंग करते समय प्रसारण अधिकारी का दायित्व बन जाता है कि संदिग्ध प्रतीत होने वाले शब्दों अथवा अंशों का संपादन अथवा संशोधन कर दे, ताकि श्रोता को यह अनुभव ना हो कि जो कुछ अभी रेडियो फीचर में बताया गया है वह विश्वास योग्य नहीं। रोचकता। रेडियो फीचर के लिए ही नहीं, तो रेडियो से प्रसारित प्रत्येक कार्यक्रम के लिए श्रोता वर्ग की दृष्टि से यह ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि उसमें रोचकता का अभाव नहीं। यदि ऐसा हुआ तो रेडियो सेट बंद कर दिए जाएंगे और आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित रेडियो फीचर के प्रति श्रोता मंडल की प्रतिक्रिया और फीडबैक नहीं मिलेगा। रोचकता फीचर की बहुमूल्य निधि है। अभिलेखन से पूर्व यह भली भांति देखा जाता कि फीचर का प्रत्येक पहलू रोचक है या नहीं। यदि रोचकता आलेख में स्वतः उतनी नहीं उभर रही है जितनी रेडियो फीचर के श्रोता के लिए अपेक्षित है, तो अभिलेखन अधिकारी नाटकीयता में वृद्धि करके या ध्वनि प्रभावों या संगीत प्रभावों द्वारा उसको रोचक बनाने की व्यवस्था स्वयं करता है। रोचकता बनाए रखने के लिए अभिलेखन अधिकारी स्टाफ कलाकार का सहयोग लेकर नारी स्वर का प्रयोग भी कर ले जा करते हैं। प्रभावपूर्णता। रेडियो फीचर के लिए आलेख ही सब कुछ नहीं होता। वास्तविकता तो यह है कि आलेख प्रसारण की आधार सामग्री होती है। फीचर लेखक अपने ढंग से और रेडियो फीचर की प्रविधि समझकर ही अपना फीचर तैयार करता है, लेकिन उसकी सफलता का श्रेय उस आलेख से अधिक उसके प्रभावपूर्ण रिकॉर्डिंग पर निर्भर करते हैं। फीचर का विषय सामग्री रोचक तथ्य और सत्य के साथ उसका सामंजस्य
सरल भाषा में लिखा जाकर भी उतना प्रभाव उत्पादक नहीं हो पाता जितना अभिलेखन अधिकारी द्वारा उसे अभिलेखन करने पर प्रसारित रूप में वह प्रभाव उत्पादक होता है। आकाशवाणी केंद्रों से प्रत्येक सूचना, समाचार, वार्ता, आलेख, नाटक, नाटकांश, कहानी, कविता, फीचर आदि का प्रसारण वस्तुतः प्रभावपूर्ण अभिलेखन से ही होता है। प्राविधिक कौशल रेडियो फीचर की प्रभावपूर्णता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार उसकी नाटकीयता में विद्यमान है। अभिलेखन अधिकारी समग्र रूप में फीचर पर श्रोता की मनः स्थिति से ही विचार करता है। श्रोता तक अपने फीचर का मंतव्य संप्रेषित करने के लिए वह सस्वर वाचन, संगीत, ध्वनि प्रभावों का सफल प्रयोग करता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि रेडियो फीचर के प्रसारण में लेखक से अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अभिलेखन अधिकारी की होती है, जो एक स्तर पर रेडियो फीचर का पुनर्लेखक बनकर उसमें प्रभाव उत्पन्न करने के लिए विविध प्राविधिक कौशलों का उपयोग करता है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि रेडियो फीचर का प्रसारण मात्र लेखन कला तक ही सीमित नहीं है, अपितु वह लेखन से आगे रिकॉर्डिंग अभिलेखन की प्राविधिक व्यवस्था का ऐसा अंग है जिसे आकाशवाणी केंद्रों पर कार्यरत अभिलेखन अधिकारी के कौशल पर निर्भर होता है। शिव सागर मिश्र की मान्यता है कि फीचर के चार अंग होते हैं, साहित्य, तथ्य, प्रमाण और रोचकता। फीचर का प्रमुख केंद्र बिंदु तथ्य है जो लिखित या ध्वन्यांकित होता है, जिनके आधार पर तथ्यात्मक परिवेश अथवा नए तथ्यों का सृजन किया जा सकता है। रेडियो फीचर की सफलता काफी हद तक अभिलेखन प्रस्तुतकर्ता के संपादन कौशल पर निर्भर करती है। यदि तथ्यों, ध्वनि प्रभावों या वास्तविकताओं का संपादन संतुलन नहीं हुआ तो रोचकता में कमी आ जाने का भय उत्पन्न हो सकता है। रेडियो फीचर लेखन की आचार संहिता। रेडियो आम जनता का माध्यम है, वह बिना किसी आयु भेद, धर्म भेद, लिंग भेद के सर्वाधिक प्रिय माध्यम है। अतः रेडियो फीचर लिखते समय यह ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि उसके लिए कभी कोई ऐसे विषय का चयन न हो जो आपत्तिजनक हो या किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला हो या किसी के धार्मिक विषयों, पर्वों, त्योहारों, देवी देवताओं, संत महात्माओं आदि के विषय में कुछ भी अनुचित समझा जाए, ऐसा कुछ। इसीलिए आकाशवाणी ने कुछ नियम बनाए हैं। रेडियो फीचर में या रेडियो पर अश्लीलता या फूफड़पन या द्विअर्थी संवाद त्याज्य है, अतः इनसे भी बचकर ही आलेख तैयार करना चाहिए। सामान्यतः रेडियो फीचर अभी तक आकाशवाणी केंद्रों पर कार्यरत प्रसारण अधिकारी ही लिखते थे, अतः व्यवहारिक रूप में वे आचार संहिता का पालन करते रहे हैं। आरंभिक काल में सुप्रसिद्ध साहित्यकारों, लेखकों, विचारकों ने भी समय समय पर अपना योगदान किया। आज स्वतंत्र रूप से फीचर लेखन का कार्य किया जाता है। यदि रेडियो फीचर की आवश्यकताएं और सीमाएं समझ ली जाएं तो आकाशवाणी के लिए भी मुक्त रूप से फीचर लेखन कार्य किए जाने की व्यापक संभावनाएं हैं। रेडियो फीचर जिसके लिए लिखा जाता है या प्रसारित किया जाता है वह श्रोता आंखें रखते हुए दृष्टिहीन है, रेडियो कार्यक्रम सुनते हुए श्रवणेन्द्रिय केंद्रित रखता है और आंखें बंद रखता है, अथवा रेडियो सुनते समय श्रोता को दृगेंद्रिय शिथिल कर लेनी होती है, दृश्यन्द्रिय। रेडियो फीचर लेखक को रेडियो के लिए प्रयुक्त आचार संहिता का ज्ञान रखना आवश्यक है। इन आचार संहिता के आधार पर रेडियो लेखन के समय इन बातों से बचा जाना चाहिए, जैसे मित्र देश की आलोचना, धर्म एवं संप्रदाय पर आक्षेप, कुछ भी अश्लील या मानहानि योग्य, हिंसा को प्रोत्साहन या ऐसा कुछ जो कानून और व्यवस्था के खिलाफ हो, ऐसा कुछ जिसका परिणाम न्यायालय की अवमानना, कन्यमना कोर्ट हो, ऐसा कुछ जो राष्ट्रपति, सरकार या न्यायालय की मर्यादा के प्रतिकूल हो, किसी राज्य अथवा केंद्र की आक्रामक आलोचना हो, ऐसा कुछ जो संविधान के प्रति अमर्यादा दिखलाता हो या संविधान में हिंसापूर्वक परिवर्तन लाने की वकालत करता हो,
आकाशवाणी के प्रसारणों में किसी उद्योग के व्यापारिक नाम का ऐसा प्रसारण नहीं होना चाहिए जिससे उसका विज्ञापन होता। ये महत्वपूर्ण है। अगर किसी प्रसारण से केवल किसी एक व्यक्ति को या एक संस्था का लाभ होता हो, उसके लिए प्रसारण नहीं किया जा सकता। कोई अपील प्रसारित नहीं हो सकती। राष्ट्रीय संकट होने पर अपील प्रसारित की जा सकती। तो इन सब बातों का ध्यान रखकर रेडियो फीचर लेखन किया जाता है। अंत में यदि सारांशतः कहा जाए कि रेडियो फीचर लेखन एक कला है जो अन्य फीचर लेखन कला से भिन्न है। रेडियो फीचर लेखन जन संचार माध्यमों का महत्वपूर्ण अंग है। इस विधा की पहुंच जन सामान्य तक है। रेडियो फीचर लिखते समय हमें जिन मूल तत्वों का ध्यान रखना होता है वे हैं तथ्य, सत्य, प्रामाणिकता, रोचकता, नाटकीयता, मनोरंजकता। रेडियो फीचर लेखन के मुख्य बिंदु हैं विषय वस्तु चयन, प्रस्तुति, संपादन एवं संयोजन, रेडियो परक भाषा, रेडियो फीचर का अभिलेखन, स्पष्टता, सरलता, संक्षिप्तता, प्रसंगानुकूलता, तथ्यपरकता, विश्वसनीयता, रोचकता, प्रभावपूर्णता, प्राविधिक कौशल आदि। यह ध्यान देना होगा कि रेडियो फीचर लेखन की आचार संहिताएं भी हैं। इस पाठ में हम बस इतना ही। अगले पाठ के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।